अस्सलाम वालेकुम दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल MZ लर्निंग। दोस्तों अपनी पिछली वीडियो में हमने आईफोन XS मैक्स की अनबॉक्सिंग की थी और आज की इस वीडियो में हम वीवो V15 प्रो की अनबॉक्सिंग करेंगे। दोस्तों वीवो ने ये फ़ोन पिछले माह फरवरी 2019 को अनाउंस किया था और इसी महीने यानी मार्च 2019 को ये लॉन्च हो गया है। बॉक्स देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि ये एक फुल स्क्रीन नोचलेस डिस्प्ले है। इसमें स्क्रीन के अंदर ही वीवो का 5th जनरेशन फिंगरप्रिंट स्कैनर लगा हुआ है और ऊपर की तरफ 32 मेगापिक्सल HDR पॉपअप सेल्फी कैमरा है। इसके बैक साइड पर ट्रिपल रियर कैमराज हैं। बॉक्स पे क्लियरली मेंशन है कि इसमें 6GB रैम और 128GB स्टोरेज है, लेकिन बास कंट्रीज में ये 8GB रैम के साथ भी लॉन्च हुआ है। बॉक्स के ऊपर की तरफ PTA का स्टिकर है कि ये फ़ोन PTA अप्रूव्ड है और बॉक्स के नीचे की तरफ वीवो की जानिब से एक सील लगी हुई है जिस पर क्लियरली मेंशन है डू नॉट एक्सेप्ट इफ सील इज ब्रोकन, यानी अगर आप ये फ़ोन न्यू ले रहे हैं और सील टूटी हुई है तो आप इसको ना लें। चलिए बॉक्स को खोलते हैं। बॉक्स खोलने के लिए आपको एक कटर की ज़रूरत पड़ेगी जिसकी मदद से आप आसानी के साथ इसके प्लास्टिक और सील को काट सकेंगे। ये बॉक्स इतना स्मूथ ओपन नहीं हो रहा जितना हमारे आईफोन XS मैक्स का बॉक्स हुआ था, बट इट्स नॉर्मल। बॉक्स खोलने के बाद जो पहली चीज हमें नजर आ रही है वो है एक और बॉक्स जिसमें ये एक सिम इजेक्टर टूल, इस फोन से रिलेटेड कुछ पेपर वर्क और एक केस है। अगर बात करें इस केस की तो ये एक हॉट केस है जिसमें ये है कटआउट ट्रिपल रियर कैमरास के लिए और ऊपर की तरफ का कट आपकी पॉपअप सेल्फी कैमरा के लिए है। ये अपने चारों साइडों से कदरे सॉफ्ट है लेकिन अपनी बैक से सॉलिड है। ओवरऑल ये एक बहुत अच्छा केस दिखाई दे रहा है। चलिए अब बॉक्स के अंदर से अपने वीवो V15 प्रो को बाहर निकालते हैं। मेरा ये फोन टोपाज ब्लू कलर में है। चलिए फिलहाल इसको रखते हैं और देखते हैं कि बॉक्स में और क्या क्या है। तो ये हैं कुछ IME स्टिकर्स, ये है इसकी डेटा प्लस पावर केबल जो कि माइक्रो USB 2.0 केबल है। इसके नीचे ये हैंड फ्री हैं जो कि आईफोन के एयरपोर्ट से थोड़े बहुत मिलते जुलते हैं। चलिए अब इसके चार्जर को निकालते हैं। तो ये एक 18 वाट वाला फास्ट चार्जर है और कंपनी के मुताबिक ये चार्जर आपके फोन को 15 मिनट में 24% चार्ज कर देगा। चलिए अब इस फोन का तफसीली जायजा लेते हैं। सबसे पहले तो हम इसके इस प्लास्टिक को रिमूव करते हैं, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रही कि इस प्लास्टिक को रिमूव किस सिरे से पकड़कर करना है। चलिए इसको यहां से खोलते हैं। लीजिए प्लास्टिक रिमूव हो गया है। ये एक बहुत ही ग्लासी स्क्रीन है, इसकी बैक साइड भी बहुत शाइन कर रही है। हालांकि इसकी बैक प्लास्टिक से बनी है लेकिन ये एक प्रीमियम ग्लास की लुक दे रही है। इस फोन की बैक साइड पर सबसे ऊपर सैमसंग का GM सेंसर वाला 48 मेगापिक्सल का कैमरा लगा हुआ है, लेकिन ये आपको 12 मेगापिक्सल की फोटो देगा। इसके नीचे 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और सबसे नीचे 5 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर कैमरा लगा हुआ है। चलिए इसको ऑन करते हैं। ओ शिट, इसमें चार्जिंग नहीं है। तो ये है इसका पावर बटन, इसके ऊपर वॉल्यूम डाउन और वॉल्यूम अप बटन है और यह है वो जगह जहां से आपका सेल्फी कैमरा बाहर आता है। इसके साथ ये हेडफोन जैक है, इसके साथ सेकेंडरी माइक है। फोन के लेफ्ट साइड पे यहां पे आप अपना मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं और ये फोन 256GB तक मेमोरी कार्ड को सपोर्ट करता है। और यह है एक स्पेशल बटन जिसकी मदद से आप गूगल असिस्टेंट वगैरह को एक्टिवेट कर पाएंगे। फोन के नीचे की तरफ ये आपकी माइक्रो USB पोर्ट है,
इसके साथ ये सिम ट्रे है जिसमें आप अपने ड्यूल नैनो सिम कार्ड्स लगा सकते हैं। ये प्राइमरी माइक है और ये है स्पीकर ग्रिल। तो चलिए अब इस फोन को पहले चार्ज करते हैं और उसके बाद इसके बाकी फीचर्स का जायजा लेते हैं। वेलकम बैक दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले इस फोन के इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट स्कैनर को चेक करते हैं। तो ये काफी फास्ट काम कर रहा है क्योंकि ये वीवो का वर्जन 5 स्कैनर है जिसमें नीचे की तरफ पिक्सल काउंट को बढ़ाया गया है, जिसकी वजह से ये मजीद अच्छे से काम कर रहा है। लेकिन ये आईफोन के फिंगरप्रिंट स्कैनर जितना फास्ट नहीं है, क्योंकि अगर मैं अपनी फिंगर को तेजी से रख कर हटा लूं तो ये इसको स्कैन नहीं कर पाता। अलबत्ता इसका फेस अनलॉक बहुत फास्ट है और ये 1 सेकंड से कम टाइम में आपके चेहरे को स्कैन करके आपके फोन को अनलॉक कर देता है। कंपनी के मुताबिक ये पॉपअप कैमरा उन्होंने 3 लाख से भी ज्यादा मर्तबा ऑन ऑफ करके चेक किया है, जिससे अंदाजा होता है कि ये पॉपअप कैमरा रिलायबल है और इतनी जल्दी खराब नहीं होने वाला। जहां तक बात है इसके सॉफ्टवेयर की, तो इसमें एंड्रॉइड का 9.0 वर्जन प्री इंस्टॉल आया है। इसमें स्नैपड्रैगन 675 ऑक्टा कोर प्रोसेसर प्लस 6GB रैम है। इसके अंदर 3700mAh की बैटरी लगी हुई है। आप देख सकते हैं कि इस फोन को फुल चार्जिंग के बाद चलते हुए 14 घंटे 6 मिनट और 51 सेकंड हो चुके हैं। इस दौरान मैंने इसमें कई एप्लीकेशन भी इंस्टॉल किए हैं और स्टिल इसकी बैटरी 67% बाकी है। चलिए अब इसका फ्रंट कैमरा चेक करते हैं। चलिए अब इसके बैक कैमरा को चेक करते हैं। मैं इसके बैक कैमरा से एक पिक्चर लेता हूं और इस पिक्चर को जूम करके देखता हूं। पिक्चर काफी अच्छी आई है और काफी डिटेल्स शो हो रही हैं। चलिए अब एक छोटी सी वीडियो बनाकर देखते हैं। अगर आपको इस फोन के फ्रंट या बैक कैमरा से ली गई ओरिजिनल पिक्चर्स या मूवीज चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं इस फोन की अनमॉडिफाइड पिक्चर या मूवी आप लोगों को सेंड कर दूंगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसको लाइक करें और दिल खोलकर अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें ताकि दूसरों को भी फायदा पहुंच सके। और अगर आप पहली मर्तबा हमारा चैनल देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके इस बेल आइकन को दबाना हरगिज ना भूलिएगा, क्योंकि हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं मोबाइल, कंप्यूटर और IT से रिलेटेड मजे मजे की वीडियोस और हमेशा रखते हैं आपको अप टू डेट। अब तक के लिए इतना ही। वीडियो देखने और अपना कीमती टाइम देने का बेहद शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।